नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। देश भर के राज्यों में 16 जनवरी यानी कि शनिवार से कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। कई यूरोपीय देशों में लोगों ने वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार को कहा कि भारतीयों को पीएम मोदी और वैज्ञानिकों पर भरोसा है। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होने के एक दिन पहले ट्वीट किया और लिखा कि ये एक ऐतिहासिक दिन होगा। उन्होंने दावा किया कि वैक्सीन लेने के लिए 80% भारतीय तैयार हैं। आपको बता दें, भारत में कोरोना वैक्सीन शुरू होने से एक दिन पहले शुक्रवार को सभी तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने ट्वीट में लिखा, कोविड वैक्सीनेशन में पीछे नहीं रहना चाहते भारतीय। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि दुनिया के 28 देशों में कराए गए एडिलमैन पीआर ट्रस्ट बैरोमीटर सर्वे 2021 के मुताबिक वैक्सीन पर सबसे ज्यादा भरोसा भारतीयों को है। देश के 80% लोग वैक्सीन लगाने को तैयार हैं। ये भरोसा है मोदी सरकार और देश के वैज्ञानिकों पर। आपको बता दें, ये सर्वे 28 देशों में किया गया है। इस सर्वे से पता चला है कि कुल मिलाकर 51% भारतीय वैक्सीन उपलब्ध होते ही टीकाकरण के लिए तैयार थे, जबकि 29% इसे एक साल के अंदर ले लेंगे। सर्वेक्षण में ये भी पाया गया कि दुनिया भर में कोविड-19 टीकों पर संशय उनकी उपलब्धता में एक बड़ी बाधा है। कम्युनिकेशंस फर्म एडिलमैन ने 19 अक्टूबर और 18 नवंबर 2020 के बीच सर्वे किया और इस सर्वे में 33,000 लोगों ने भाग लिया। इस सर्वे के मुताबिक भारत में 80%, यूके में 66%, जर्मनी में 62%, अमेरिका में 59% और रूस में 40% लोग ही कोरोना वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। भारत के ज्यादातर राज्यों में 16 जनवरी से शुरू हो रहे पहले चरण के टीकाकरण के लिए कमर कस ली गई है। पश्चिम बंगाल में जहां सबसे ज्यादा 93,500 टीके कोलकाता को आवंटित किए गए हैं, वहीं महाराष्ट्र में नागपुर मंडल को 1,14,000 वैक्सीन की पहली खेप पहुँचा दी गई है। मध्य प्रदेश में भी पहले चरण के लिए कुल 5,06,000 से ज्यादा कोविशील्ड टीके की आपूर्ति की जा चुकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।